सो गाइस आप लोग को तो पता ही होगा मुझे नेक बैंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इवन कंपेयर टू द TWS। TWS मुझे थोड़ा सा उतना मजा नहीं आता भाई, वो थोड़ा घूमने का मेरे को डर रहता है, इसके लिए मैं नेकबैंड ज्यादा प्रैक्टिकल मानता हूँ और ज्यादा बेटर होता है स्पेशली कॉल वगैरह में। मेरा फेवरेट जो नेकबैंड है वो ये था Realme Buds Wireless 2 ANC वाला। भाई इसके अंदर जैसे आप लोग देख रहे हो काफी दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट साल भर हो गया, अभी भी चल रहा है, लेकिन पूरा जो वायर है जैसे आप लोग देख रहे हो पूरा खराब हो गया। इसकी वजह से मेरे को ये रिजेक्ट करना पड़ा, रिजेक्ट नहीं मतलब अभी दूसरा तो लेने पड़ेगा क्योंकि उसका वायर खराब हो गया है। तो इस चीज की वजह से मैंने ये वन प्लस का स्टार्ट किया था यूज करना, लेकिन ये जो है इसके लेवल की साउंड क्वालिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाता, प्लस ANC नहीं था, तो मैं यार अभी दूसरा हेडफोन देखता मैं Realme वाला ही आने जाता। लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट पे और Amazon पे बैनर बड़ा बड़ा देखा कि बोट ने लॉन्च किया है ANC वाला हेडफोन, वो भी सस्ते में, तो मतलब व्हाई नॉट, इसके लिए मैंने ये मंगा लिया है। ये है बोट रॉकर्स 330 एंड 333, सेम मॉडल है, एक फ्लिपकार्ट पे मिलता है एक Amazon पे मिलता है। ANC के साथ में 1500 रुपए का नेक बैंड है भाई। हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये Realme के बर्ड्स को रिप्लेस करने के लायक है कि नहीं। उसकी जो साउंड क्वालिटी उसमें एलडेक वगैरह था, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल साउंड क्वालिटी थी उसकी, और मैं ऑलमोस्ट एक साल एज अ प्राइमरी यूज किया हूँ क्योंकि मेरे पास एयरपॉड्स प्रो है, मेरे पास सोनी के हेडफोन्स है, मेरे पास काफी मतलब महंगे महंगे हेडफोन है, उसके बावजूद भी मैं ये यूज करता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि उसकी क्वालिटी कैसी है। लेट्स सी ये रिप्लेस कर पाता है कि नहीं। हम लोग चेकआउट करते हैं भाई, अनबॉक्सिंग करके मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कैसा है कैसा नहीं है, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। सही वो गाइस वन ज़हीर एंड दिस अनबॉक्सिंग एंड माय फुल रिव्यू ऑफ दिस बोट रॉकर्स 330 एंड 333 ANC। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस ये है बॉक्स, आप लोग जैसे देख रहे हो ENX टेक्नोलॉजी है, 24 आवर्स का प्लेबैक है, ASAP चार्जिंग है, IPX4 वाटर रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक बर्ड्स है, प्लस बहुत सारा यहाँ पर है इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट, ब्लूटूथ 5.2, पावर सेवर मोड एंड ऑल। पहले तो ये निकल जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर है सील। बाय द वे इसको मैंने Amazon से ऑर्डर किया 1500 रुपए का। सो लेट्स सी भाई कैसा है। ये है सबसे ऊपर नेकबैंड, उसके बाद हमको यहाँ पर एक पाउच देखने को मिलता है बोट हेड वाला जिसके अंदर बहुत सारे पेपर वर्क, उसके बाद एक नॉर्मल USB A टू USB C केबल, कुछ ईयर टिप्स एंड बोट हेड स्टिकर्स। मेटल है भाई साहब, क्या बात है। और जो ये रबर है, ओके 1500 रुपए के हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी का रबर दिया हुआ भाई। इवन जो ये वायर्स है काफी मोटे हैं, ब्रेडेड नहीं है, एंड ये जो हाउसिंग है ये प्लास्टिक की है। ये बोट वालों का रबर नहीं अच्छा है, इन लोग को अपना ये ईयर टिप्स चेंज करना चाहिए। यहाँ पर जो ये वाला हाउसिंग है इसके अंदर हमको यहाँ पर USB टाइप सी पोर्ट, एक LED लाइट है, माइक्रोफोन भी शायद वही है, और उसके बाद ANC का बटन है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और बीच में मल्टी फंक्शन बटन है जिसको दबा के रखोगे आप लोग तो चालू हो जाएगा। देखो चालू हो गया यहाँ पर। और ये वाले हाउसिंग में कुछ भी नहीं है, बोट की ब्रांडिंग है खाली। और जो ईयरबड्स है उसके अंदर भी बोट का लोगो दिया हुआ है, इधर लेफ्ट एंड राइट का मार्किंग है। यार एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये जब कनेक्ट करता हूँ तो बंद क्यों नहीं होता है, मेरे को बटन दबा के बंद चालू करना पड़ता है यार, अजीब सी बात है। ओके सो एक काम करते हैं, मैं इसको पूरा प्रॉपरली टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद मैं मिलता हूँ आप लोग। ओके गाइस सो ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन हो चुका है इसको इस्तेमाल करते हुए। आपको बताता हूँ भाई एक्चुअली मैं इसने रिप्लेस किया कि नहीं किया सब बताते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना रिव्यू स्टार्ट करेंगे बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। उसके पहले मैं बता दूं, देखो ये प्रोडक्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास गया, आपने बहुत सारी भर भर की तारीफ सुनी होंगी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगे कि भाई ये थोड़ा सा नेगेटिव बता रहा मतलब हेटर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, खुद के पैसे से खरीद के आपको ऑनेस्ट रिव्यू हमेशा मिलता है। तो ये चीज आप लोग पर समझ लेना, जो यहाँ पर देखोगे वो रियलिटी रहती है। तो 1700 के हिसाब से कैसा है। सबसे पहले बिल्ड की बात करूं तो भाई ये जो पूरा रबर है इसकी क्वालिटी जबरदस्त है, यहाँ पर जो मॉड्यूल है पूरे मेटल में है एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है, एंड जो ये केबल है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसका जो 333 वाला वर्जन आता है सेम है, खाली ये जो केबल है उसकी ब्रेडेड रहती है, वो सेम टू सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप लोग उसमें कंसिडर कर लो। बाकी ये जो ईयरबड्स है काफी लाइट वेट है और काफी अच्छे, इधर पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा डिजाइन अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये जो आप लोग ईयरबड्स में ये डिजाइन देख रहे हो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, जो अंदर का माल मसाला रहता है वो सारा चीज यहाँ से दिखाई देता है, तो ये अच्छा चीज लगा। थोड़ा पर्सनल टच है लेकिन कान में कौन जाता देखने के लिए, लेकिन ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में बहुत जबरदस्त है। इवन जब आप पहन के रखते हो ना तो काफी अच्छा, मतलब ऐसा गर्दन में आपको थोड़ा थकावट नहीं होती है, अच्छा लगता है, ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका कंफर्ट ना उतना अच्छा लगा नहीं, मतलब कंफर्टेबल ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल है, लॉन्ग आवर्स तक के पहन के रखो, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, हल्का फुल्का जो पीछे का ये पार्ट है ना ये थोड़ा सा कान में चुभने लगता है, लेकिन वो एडजस्ट होने की बात है। जैसे आप लोग थोड़ा 2-4 दिन यूज करोगे ना 5 दिन, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किधर रखना है जिससे दुखेगा नहीं, तो आप लोग उधर पे रखना स्टार्ट कर दोगे तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड IPX4 की रेटिंग है तो मतलब आप जिम वगैरह भी करोगे तो उसमें भी कोई भी शिकायत आने वाली नहीं, हल्का फुल्का पानी गिरा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद भाई जो इन लोग ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है कि क्रिस्टल बायोनिक साउंड है, ANC है, 13 मिलीमीटर का ड्राइवर है, सब बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर इन लोग ने 25 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया एंड भाई काफी अच्छा एएनसी यहाँ पर काम करता है। मतलब 1500 रुपए के हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा काम करेगा। लाइक ये Realme Buds Wireless 2 जो है, जब मैंने बोला था कि उसको रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं, तो एएनसी के मामले में जी हाँ उसके लेवल का काम करता है। एएनसी काफी अच्छा है और काफी ज्यादा नोटिसेबल है। आप जैसे एएनसी ऑन करोगे ना तो जो साउंड पंखा वंखा चल रहा है और बाहर से हल्की फुल्की जो आवाज आ रही है ना वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे, एएनसी काफी मस्त है भाई। एएनसी के बाद इसके अंदर है ना बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि डुअल पेयरिंग दिया हुआ है एंड आई रियली रियली लव डुअल पेयरिंग सिस्टम भाई। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर दोनों फोन में मेरे एक साथ कनेक्टेड है ये ईयरफोन। अभी जैसे देखो यहाँ पर वीडियो चल रही है, आवाज इसके अंदर आ रही है, ठीक है, ये वाले फोन में वीडियो चल रही है, आवाज आ रही है। आप समझ लो मैंने ये वाला फोन खोला एंड सेम वीडियो चला दिया, सेम वीडियो या दूसरी वीडियो, तो इधर पे पॉज देकर इधर पे चलने लग जाएगा। तो समझ लो आपके अगर लैपटॉप है, आप लैपटॉप में कनेक्ट करके रखे और फोन में भी कनेक्टेड है, दोनों में एक साथ कनेक्टेड रहता है। फोन आता है तो डायरेक्टली ऑडियो इस पे स्विच हो जाता है, तो काफी अच्छा है। ये काफी पुराना फीचर है, बहुत सारे ईयरफोन में पहले आया करता था, फिर उसको कट कर दिए, अब वापस से बोट के ईयरफोन में आने लगा है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी दूसरे ईयरफोन में मैंने देखा बोट के अंदर है, तो अगर आपको डुअल पेयरिंग वाले फीचर की जरूरत है तो भाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद भाई ब्लूटूथ 5.2 है, तो कोई आपको कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है भाई, अच्छे से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है साउंड क्वालिटी भाई। इसके अंदर क्रिस्टल बायोनिक साउंड पावर बाय डिराक ऑप्टियो, इतने बड़े बड़े वर्ड्स फेंके हैं बोट वाले ने। इनका जो सिग्नेचर साउंड है ना वैसा ही है इसका साउंड। अगर आपने पहले बोट के कोई ईयरफोन्स यूज किए हैं तो आपको पता है कि भाई इनका सिग्नेचर साउंड क्या है। भर भर के बेस भरा हुआ है भाई, इतना बेस है ना, इतना बेस है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। बाय द वे अभी जैसे ये Realme की वॉच 3 है एंड ये Realme Buds Wireless 2S है, इनकी सारी की टेस्टिंग भी चल रही है, तो उसके लिए भी इंतजार करना। ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन में यही वाला ईयरफोन। तो अभी मैं साउंड क्वालिटी की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो साउंड क्वालिटी में मुझे काफी अच्छे लगे। अगर आप म्यूजिक लवर हो, आपको बेस पसंद है, अगर आपकी बेबी को बेस पसंद है तो भाई आप तो खुश हो जाओगे। मतलब एकदम खतरनाक बेस है, दमदार बेस है, मजा आ जाता है बेस। लेकिन बेस की वजह से जो मिड फ्रीक्वेंसीज, जो वोकल्स है, जब आप पॉडकास्ट सुनते हो या मूवी देखते हो तो उसके अंदर जो वोकल्स है वो थोड़े से दब जाते हैं, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं। मुझे ना थोड़ा सा बैलेंस साउंड पसंद आता है जो मुझे Realme के ईयरफोन्स में ऑफर होता है, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन भाई जिसको बेस पसंद है उसके लिए तो बहुत जबरदस्त है भाई, बेस इसका बहुत दमदार है। इवन जो यहाँ पर बटन दिया हुआ है, जो ये आप लोग बटन देख रहे हो, ये बटन को 2 बार आप दबाओगे ना तो इसका जो क्लियर मोड है वो चालू हो जाएगा। ये जो क्रिस्टल बायोनिक साउंड है ना वो वाला मोड चालू हो जाएगा। वो चालू करने के बाद भी ये इतना क्लैरिटी नहीं ला पाता जितना क्लैरिटी है नॉर्मल मोड में ये बर्ड्स 2 लेके रखते हैं। तो अगर आपको क्लियर साउंड चाहिए, आपको ज्यादा आपका पॉडकास्ट वगैरह सुनना है तो ये वाले थोड़े से अवॉइड करो, उनकी तरफ जाओ। अगर आपको बेस ही चाहिए, आप गाना सुनते हो भाई, बेस आपको ज्यादा चाहिए, थोड़ा बहुत वोकल्स पे आप हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज कर दो। ऐसा नहीं कि खराब है वोकल्स, काम चल जाएगा। वो सारे ईयरफोन में बहुत ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस वन। सो ये चीज आप लोग याद रखना, जब आप उसमें मोड में जाते हो तो आपको क्लियरली एक क्लैरिटी बढ़ने को समझ में आता है कि हाँ क्लैरिटी बढ़ गई, हाइस बढ़ जाता है, जो वोकल है उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इवन वो मोड के अंदर भी बेस बहुत ज्यादा प्रोनाउंस और बहुत ज्यादा हैवी है, तो ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। मैं बहुत बड़ा बेस लवर नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा बेस रहता तो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है भाई, बेस लवर लोग के लिए भाई सुपर्ब है। बाकी 13 मिलीमीटर का ड्राइवर है, तो उसके हिसाब से भाई पूरा ओवरऑल जो क्वालिटी है इसका ईयरफोन का, मतलब स्पेशली साउंड में काफी अच्छा है। बेस लवर जैसे मैंने बता दिया भाई, यू लव इट। बाकी बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर भाई इन लोगों ने 24 घंटे का बैटरी क्लेम किया है और इन लोगों ने एसएप चार्जिंग दी है इसके अंदर। मतलब अगर आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो 5 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है भाई। मैंने काफी जबरदस्त इसकी रिगरस टेस्टिंग की है, मैं आपको इधर पे बैटरी के स्टैट्स दिखाता हूँ। पहले इसको मैंने फुल चार्ज किया और फुल वॉल्यूम पे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन विद क्लियर मोड दोनों ऑन किया। दोनों ऑन करने के बाद फुल वॉल्यूम पे, फुल वॉल्यूम बाय द वे बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप सुन भी नहीं पाओगे। 70% से ऊपर जाओगे ना तो बोलोगे भाई बहुत ज्यादा लाउड है, मतलब लिटरली लाउडनेस में बहुत ज्यादा है। तो फुल वॉल्यूम पे तो मुश्किल है भाई कोई सुन पाएगा। तो फुल वॉल्यूम के अंदर ये 11 आवर्स चला, वो भी दोनों मोड चालू करने के बाद। तो अगर आप दोनों मोड बंद कर दोगे और जो वॉल्यूम है उसको 60-70% पे रखोगे ना तो 20 घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ ये देता है। बाकी मैंने 10 मिनट की चार्जिंग भी टेस्ट किया, 10 मिनट की चार्ज पे ANC प्लस क्लियर मोड, वो भी फुल वॉल्यूम पे, तो उसमें 3 आवर 48 मिनट्स, मतलब 4 घंटे के आसपास लास्ट करा। तो भाई 10 मिनट की चार्जिंग में आपको 5 घंटे की बैटरी लाइफ अगर आप नॉर्मली सुनते हो तो मिल जाएगा। फुल वॉल्यूम पे वैसे मुझे नहीं लगता कोई सुन पाएगा भाई, इसको इतना लाउड है। सो ये चीज है। बाकी ओवरऑल बैटरी लाइफ अच्छी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और USB Type-C पोर्ट है यहाँ पर, तो आपको मस्त आराम से चार्ज कर सकते हो उसको फटाफट, तो सॉर्टेड है। बाकी अगर कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो ये सैंपल सुनो। सर गाइस जो अभी आप लोग आवाज सुन रहे हो ये इस ईयरफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। मतलब जैसे आप लोग देख रहे हो कॉल किया मैंने तो रिसीवर एंड पे कॉल रिकॉर्ड हो रहा था, उसको किस तरह की आवाज आएगी आपको समझ आएगा भाई। तो मैं इधर कम्प्लीटली क्लोज एनवायरमेंट में, इधर AC चल रहा है, अकॉस्टिकली ट्रीटेड है, खिड़कियां वगैरह बंद है, तो उसके साथ साथ समझ लो। अगर आउटडोर का फोन है तो ये भी सुन लो। ओके तो गाइस अभी फिलहाल में आउटडोर एनवायरमेंट में कुछ इस तरह की आवाज आती है जब आउटडोर एनवायरमेंट में हम ये बोट ऑफ 333 या 330 से बात करते हैं। तो माइक का क्वालिटी, माइक का पिकअप आपको समझ में आ रहा है। इधर आसपास थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चलती है, बहुत ज्यादा पब्लिक भी नहीं है लेकिन हल्का फुल्का आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर आप आउटडोर में बात करोगे तो किस तरह की आवाज आएगी सामने आपको बाय द रिसीवर एंड का रिकॉर्ड हो रहा है। तो ओवरऑल अगर कॉल क्वालिटी की बात करूं तो जितना मैंने चेक किया अच्छी कॉल क्वालिटी है, लेकिन ये प्राइस में जो दूसरे नेक बैंड आते हैं जैसे रियलमी का हो गया तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर कॉल क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। जो उनका रियलमी का ENC कौन सा है वो नॉइस कैंसलेशन वाला कुछ तो एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन वाला सिस्टम है, कॉलिंग के टाइम पे वो बहुत जबरदस्त काम करता है। उतने लेवल का ये नहीं है लेकिन काम चल जाएगा आपका। जो आप आउटडोर में रहोगे ना तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी बात करने को, इंडोर्स में आपको कोई इशू नहीं होता है। ये जो 2S है 2S का भी कॉल क्वालिटी अच्छा है, इससे तो ज्यादा अच्छा लगा मेरे को पर्सनली, क्योंकि उसका जो ENC है भाई बहुत जबरदस्त काम करता है कॉलिंग के टाइम पे। तो ये चीज आप लोग याद रखना, लेकिन खराब नहीं है इसका भी, जैसे आपने सुन लिया होगा साउंड का पूरा सैंपल वगैरह। लेटेंसी की बात करूं तो वीडियो वगैरह में मेरे को जरा सी भी लेटेंसी वगैरह नहीं फील हुई अभी तक के, एकदम परफेक्ट है उसमें। बाकी इसके अंदर गेमिंग मोड है नहीं, लेकिन आपको मैं गेमिंग का एक सैंपल दिखा देता हूं तो ये देख लो गाइस। गाइस अभी ये फोन है डायरेक्ट। सो भाई जैसे आपने सुन लिया आप लोग को एक डेफिनेटली नोटिसेबल लेटेंसी देखने को मिलती है। तो अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो तो इसमें गेम खेलने के बारे में तो मत सोचना, अगर आप कैजुअल गेमर हो तो काम चल जाएगा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा भी डिले नहीं है, लेकिन काम चल जाता है ऐसा समझ लो। बाकी अब यहाँ पर है ना एक चीज़ मेरे को यहाँ पर बहुत मिसिंग अपॉर्चुनिटी लगी, यहाँ पर मैग्नेट DI हुआ है तो इससे बंद चालू करने का ऑप्शन रहता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। ये बार बार अगर चालू करना है तो मेरे को बटन दबा के चालू करना पड़ता है, फिर बटन दबा के बंद करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो अभी आदत पड़ गई ना, मैग्नेट निकालो चालू हो जाता, तो वो अभी वो चीज़ इसमें मिसिंग है। तो ये चीज़ आप लोग समझ के लेना। लेकिन इस चीज़ की वजह से ये भी एक इशू होता है, जैसे मैं कभी बाई चांस इसको बैग में रखा हूँ समझ लो, हाँ नेक बैंड को जिसमें मैग्नेट वाला बैग में रखा हूँ और फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, अचानक से हिला ये बैग वगैरह एंड ये निकल जाता है, तो ये फ़ोन डायरेक्ट उसमें कनेक्ट होता है तो आवाज़ उससे पूरी रीराउट हो जाती है, थोड़ा सा वो भी इरिटेटिंग रहता है। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। ओवरऑल 1500 से 1700 रुपए के प्राइस में अगर आप बेस लवर हो, आपको बेस बहुत ज्यादा पसंद है, देन दिस इज द ईयरफोन फॉर यू भाई। ये सारे ईयरफोन में बेस नहीं है, बेस बहुत कम है, दबासा है। मतलब अगर आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ म्यूजिक सुनता है, पॉडकास्ट या फिर मूवी वगैरह देखना जो इसमें डायलॉग ज्यादा हो, मतलब लोगों की आवाज सुनना ज्यादा नहीं है ना प्रेफरेंस, तो भाई ये ईयरफोन बहुत जबरदस्त उस मामले में। बेस वगैरह जब आप गाने सुनते हो थम्पी वगैरह वाले बहुत जबरदस्त है। तो उसके लिए अगर आपको ईयरफोन ढूंढ रहे हो, नेकबैंड ढूंढ रहे हो, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नेकबैंड फॉर यू। आप लोग बिंदास परचेस कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लेकिन अगर आप ऐसा नॉर्मल बैलेंस साउंड सिग्नेचर वाला ईयरफोन ढूंढ रहे हो तो उसके लिए दूसरे वाले ईयरफोन जो Realme Buds 2S है उसके रिव्यू का वेट करो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर वैल्यू लगता है मेरे को उस मामले में। बाकी इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।